हेलो दोस्तों, आज हम इस तरह का डिजाइन बनाएंगे। देखिए, डिजाइन हम तीन कलर से बनाए हुए हैं, बल्कि यूँ कहिए कि चार कलर से बनाए हुए हैं। एक कलर जो ये डाले हुए हैं हम, इसके ऊपर से हम एक दो तीन तीन कलर और डाले हुए हैं। इसे आप, इस डिजाइन को बनाते हुए आप बच्चे का स्वेटर हुआ या किसी भी चीज़ में आप डाल सकती हैं, बच्चों का स्वेटर वगैरह में ये काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। अगर आप इसे एक कलर से भी बनाना चाहती हैं तो एक कलर से भी बना सकती हैं। और यहाँ पे अगर आप, ये लाइट कलर का है तो डीप कलर का आप और भी कलर लेकर इसे बना सकती हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है ये डिजाइन। देखिए, तीन फंदों का बना हुआ है। ये तीन फंदा यहाँ पे, यानी यहाँ पे तीन फंदा हम लिए हैं, फिर यहाँ तीन फंदा लिए हैं, यानी एक फूल को बनाने के लिए आपको इस तरफ से तीन फंदा, फिर यहाँ तीन, फिर यहाँ तीन, तब आपका एक फूल बनेगा। या आप दो फंदा भी ले सकती हैं दोनों साइड में, लेकिन ये चीज़ जो बना हुआ है ये तीन फंदों पर ही बना हुआ है। ये चीज़ तीन फंदों पर बना हुआ, यानी कि आपको अगर एक फूल बनाना है तो आप यहाँ तीन फंदा के अलावा दो दो फंदा इर्द गिर्द रख सकती हैं, यानी सात फंदों से भी आप इसे बना सकती हैं। देखिए, यहाँ पे हम कुछ फंदा ले चुके हैं। इसे हम डाल लेने के बाद में, यहाँ पे हम फंदा को सिलाई पे डाल लेने के बाद में दो फंदा हम एक उल्टा, दो लाइन एक उल्टा और एक सीधा का बुनकर तैयार कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। देखिए, डिजाइन बनाने के लिए हम दूसरे कलर का ऊन को भी यहाँ पे जोड़ रखे हुए हैं। अब जैसे कि आप किसी भी चीज़ में स्टार्ट करेंगे, डिजाइन को स्टार्ट करेंगे आप, तो पहला फंदा उतार लें और एक फंदा ये एक्स्ट्रा ले लें आप, ठीक है। इसके बाद फंदे को हम अपनी ओर करेंगे। ये अलग कलर का जो फंदा है इसे हम अपनी ओर करेंगे, और देखिए ये जो कलर दिख रहा है क्रीम कलर, इसे हम इस तरह बुनना शुरू करेंगे। एक, दो और ये रहा तीन। ये तीन फंदा हम बुन लिए उल्टा। अब तीन फंदा हम उतार लेंगे सिलाई से, इस सिलाई पे एक दो तीन। अब फिर से हम तीन फंदा बुनेंगे, उल्टा ही बुनेंगे। देखिए इस तरह से एक दो तीन, फिर तीन फंदों को उतार लेंगे एक दो तीन, फिर तीन फंदा बुनेंगे एक दो तीन, फिर तीन फंदा उतारेंगे एक दो तीन। अब यहाँ पे दो फंदा हमारे पास बच गया लास्ट में, तो एक फंदा बुन लेंगे और एक फंदा उतार लेंगे। अगर हमारे पास और फंदा इस तरफ रहता तो तीन फंदा और हम यहाँ पे बुन लेते, लेकिन हम यहाँ पे उतार लेते हैं। उतार लिए, अब देखिए उल्टा तरफ से हमें कुछ भी नहीं करना है। जो क्रीम कलर का फंदा है उसे हम उसी तरह उतारते चले जाएँगे। देखिए, इसी तरह हम उतारते चले जाएंगे। और जो ये रेड कलर का है इसे हम सीधा, यानी कि नीचे की तरफ से सीधा, देखिए उल्टा बुन रहे हैं तो उल्टा में इसे हम सीधा बुनेंगे, यानी जो फंदा हम सीधा बुनेंगे उसे सीधा बुनेंगे, बुनते चले जाएंगे। फिर तीन फंदा को हम उतार लेंगे एक दो तीन, तीन फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए, आप ये सीधा तरफ का है, इसे हम इस तरह से सीधा बुन रहे हैं एक दो तीन। फिर से तीन फंदा जो हम उतारे हुए थे क्रीम कलर का, इसे इसी तरह उतार लेंगे दो तीन। फिर से तीन फंदा जो बुने हुए थे उसे हम सीधा बुनेंगे एक दो तीन, तीन फंदा उतार लेंगे और तीन फंदा बुन लेंगे एक दो तीन। लास्ट का दो फंदा हम उतारे हुए थे इसलिए यहाँ भी दो फंदा उतार लेंगे। अब इसे हम पलट लेंगे। देखिए, यहाँ पे हम पलट चुके हैं। अब पलटने के बाद यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, दो लाइन हमें उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा बुनना है। ये सीधा तरफ है तो हम इसे पूरा सीधा बुनेंगे क्रीम कलर से, जो कि हमारा यहाँ पे जमीन रहेगा क्रीम कलर से एक दो। देखिए, अब ये तीन जो फंदा है ये भी हम अब सीधा बुनेंगे दो तीन।
देख रही हैं आप, सीधा बुनेंगे हम। फिर ये तीन फंदा जो हम उतारे थे इसे भी बुन लेंगे सीधा, एक दो तीन, ये भी हम सीधा, यानी पूरा हमें सिलाई सीधा बुनना है। सीधा बुनते हुए इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत ही सरल डिजाइन है और जितना ये बनाने में आसान है उतना ही देखने में खूबसूरत लगता है, अगर आप इसमें सही कलर चुन कर डालें तो। इससे आप चाहें तो बच्चों का जो बनता है ब्लैंकेट वगैरह बनता है वो भी आप बना सकती हैं। देखिए अभी से हम उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। ये उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुन रहे हैं। अब पलट लेंगे इसे। देखिए अब तक हम कितना सिलाई इस पे बुन चुके हैं। ये रेड कलर से दो सिलाई बुने और ये क्रीम कलर से दो सिलाई बुनी, यानी चार सिलाई हम यहाँ पे बुन चुके हैं डिजाइन शुरू करते वक्त। अब हम ये पांचवा सिलाई बुन रहे हैं, यानी ये डिजाइन छह सिलाई का है। पांचवा में पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे। अब ये जो तीन बुने हुए थे हम फंदों को, ये तीन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन। अब देखिए यहाँ जो बीच में तीन फंदा हम उतारे हुए थे, तीन फंदों में से एक फंदा को बुन लेंगे और दूसरा फंदा बुनते समय ये जो दो फंदा हम इस तरह से लिए हुए थे दोनों के बीच से हम हुक को डालेंगे और इस फंदे में इस तरह से डालेंगे हुक। अब यहाँ से फंदा निकालते हुए दोनों के बीच से इस तरह निकाल लेंगे और इस फंदे को गिरा देंगे। फिर से हम तीन चार फंदा बुनेंगे, यानी इसका एक फंदा बुन लिए जो ये तीन फंदा था, और जो तीन फंदा हम बुने थे वो तीन फंदा बुन लेंगे। अब जो तीन फंदा उतारे थे उसमें से एक फंदा बुन लेंगे और इसके बाद फिर से इसी काम को हमें करना है। देखिए इस तरह से, और ये एक, अब यहाँ पे तीन बचा, ये तीन फंदा हम सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन। अब ये तीन फंदा जो उतारे थे इसमें से हम बुनेंगे पहला फंदा और दूसरा फंदा बुनते समय ये दोनों को से ले के हम हुक को इस तरह से निकाल लेंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब ये जो दो बचा हुआ फंदा है इसे भी हम बुन लेंगे। अब देखिए अब सबसे पहले हम उल्टा एक लाइन बुन लेते हैं, फिर हम देखेंगे डिजाइन हमारा किस तरह से बनकर आया है। एक लाइन उल्टा बुन लेंगे, यानी ये छः लाइन का डिजाइन है। छः लाइन का डिजाइन यहाँ पर बन के कम्प्लीट होता है, लेकिन अगर आप इस तरह का बनाना चाहती हैं तो 12 लाइन हम कहेंगे, क्योंकि ये तो एक चीज़ तो 6 लाइन से बना, पर ये जो ये चीज़ बना है ये भी 6 लाइन से बना है। तो आप कैसे यहाँ पे समझना होगा बात को, यहाँ अगर हम एक इस तरह से बनाए फिर दूसरा इस तरह से बनाए तो इन दोनों के बीच में हम एक डिजाइन यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो इस चीज़ को समझना होगा। इसलिए हम एक और फूल आप लोगों को यहाँ पर बना कर बतलाएंगे, ताकि अगर आप इस तरह का सेम डिजाइन डालना चाहती हैं तो आप डाल सकती हैं। ये उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर हम कंप्लीट किए हैं उल्टा। अब देखिए अब हम सीधा तरफ आएंगे, इसे अपनी ओर ले लेंगे। सबसे पहले डिजाइन देखेंगे हमारा डिजाइन किस तरह का बना है। देखिए ये डिजाइन इस तरह का बना, कितना खूबसूरत लगता है ये देखने में। इसे आप, अगर आप पर्स बनाने में इंटरेस्ट रखती हैं तो पर्स भी इससे बना सकती हैं आप। बहुत जगह ये यूज में आ सकता है ये डिजाइन। अब हम देखिए फिर से एक और बार इस डिजाइन को बनाएंगे। तो अब हम जो बनाएंगे तीन फंदा, ये तीन फंदा जो हम बुने हुए थे इसे अब हम उतार लेंगे और जो ये तीन फंदा उतारे थे इसे हम बुन लेंगे। तो देखिए एक दो तीन, तीन फंदा यहाँ उतारा हुआ है, तीन फंदा हमें बुनना है। तो ये दो फंदा को हम उतार लेंगे सबसे पहले, एक दो। अब ये जो ऊन है इसे हम इस ओर कर लेंगे और तीन फंदा यहाँ पे उतारना है हमें, लेकिन
तीन फंदा जब हमें यहाँ पे उतारना है तो एक फंदा हमें इस पे बुनना होगा। एक फंदा हम बुन लिए, अब तीन फंदों को हम उतार लेंगे, एक दो तीन। अब ये तीन फंदा जो हम पिछले डिजाइन बनाने में उतारे थे, ये तीन फंदों को हम बुन लेंगे, एक दो तीन। फिर से तीन फंदा उतारेंगे, फिर तीन फंदा को बुनेंगे, तीन फंदा उतारेंगे, तीन फंदों को बुन लेंगे, दो फंदा उतार लेंगे। अब देखिए, अब आगे उतारा हुआ फंदा उतार लेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से उतारा हुआ फंदा उतार लिए, बुना हुआ फंदा सीधा बुनते चले जाएंगे। तीन, फिर से तीन फंदा उतारेंगे, फिर से तीन फंदा बुनेंगे, एक दो तीन। तीन फंदा उतार लेंगे, तीन फंदों को बुन लेंगे, अब देखिए, अब अगला लाइन में हमें उसी तरह करना है। ये भी देखने में कैसा लग रहा है, अब जब ये डिजाइन इस तरह का बनकर सामने आएगा काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अब हमें क्रीम कलर से पूरा बुन लेना है, उतारा हुआ फंदा भी और बुना हुआ फंदा भी बिल्कुल सीधा बुनना है हमें, और उल्टा तरफ से एक लाइन बिल्कुल उल्टा बुनना है। पलट लेंगे इसे हम और उल्टा भी बुन लेंगे। अब देखिए, अगला लाइन हमें कैसे करना है, बिल्कुल उसी ढंग से हम बुनेंगे जैसा बुन चुके हैं पहला लाइन। या तो आप बुनते हैं तो बुन लें, उतारते हैं उतार लें, दूसरा भी बुन लेंगे। अब यहाँ पे तीन फंदा जो उतारा हुआ है इसमें से एक फंदा बुनेंगे और दूसरा फंदा बुनने के पहले दोनों के बीच से हुक को ले जाएंगे, इस फंदे में हुक को डालेंगे और बुनकर इस तरह से निकाल लेंगे। फिर अगला पांच फंदा बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच। अब देखिए, बीच का हो गया ये फंदा, यहाँ भी हम इसी तरह से कर लेंगे, ये हो गया। फिर पांच फंदा बुनेंगे, फिर बीच से हम इसी तरह निकालेंगे, फिर से हम फंदों को, सारे फंदों को हम बुन लेंगे क्योंकि अब हमारे पास उधर डिजाइन नहीं बचा हुआ है। देखिए, तो ये इस तरह से बनकर तैयार होगा। देखिए, ये हम दो आपको एक ही कलर से बुन कर दिखलाए हैं और इस पे देखिए कितना कलर है, आप देख सकती हैं। ये मात्र हम एक कलर से बनाए, रेड कलर यहाँ पे डाले हुए हैं, लेकिन इस पे हम तीन कलर डाले हुए हैं। तो ये इस तरह से बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।